हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा किचन्स मैजिक। मैं हूं पूजा, नमस्ते। आज हम बनाएंगे मटन करी, वो भी प्रेशर कुकर में, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी बढ़िया और बहुत ही इजी तरीके से। इसका स्वाद ऐसा कि हर कोई आपकी तारीफ करे। एक बार मेरे कहने से ये जो रेसिपी है इस तरह से बना के देखिए। इस रेसिपी में ना आपको प्याज और मटन को घंटों भूनना है। वन पॉट रेसिपी है, बहुत ही इंस्टेंट और क्विक रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर को हम गैस पे रख देंगे। इसमें हम 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, यानी सरसों का तेल। इस मटन करी को बनाने के लिए आपको मस्टर्ड ऑयल ही लेना है। तेल को हमें बिल्कुल स्मोकी लेवल तक गर्म कर लेना है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक तेजपत्ता यानी बे लीफ, एक लाल मिर्च ऐड करेंगे, एक स्टार एनिस यानी चक्रफूल, एक दालचीनी यानी सिनामंस और 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 4 से 5 इसमें लौंग ऐड करेंगे यानी क्लब्स, और 4 से 5 इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे। और सभी खड़ी मसाले को हम बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल ऑयल में आ जाए। फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज के स्लाइस किए ऑनियन ऐड करेंगे। बहुत बारीक हमें ऑनियन को नहीं करना है, जैसे आप चॉप कर सकें वैसे कर लीजिए। यहाँ पे हमें ऑनियन को फ्राई भी नहीं करना है, सिर्फ इसे एक बार आप मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच घिसा हुआ अदरक ऐड करेंगे। अदरक को आप घिस के ही ऐड कीजिए, ऐसे चॉप करके ऐड करेंगे तो जो अदरक है ना वो गलता नहीं है, इसलिए आप इसे ग्रेट करके ही ऐड कीजिए। अब हम इसे 3 से 4 स्लिट में किया हुआ ग्रीन चिली ऐड करेंगे और सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें किसी भी चीज को भूनना नहीं है। अब हम इसे 1 kg वॉश किया हुआ मटन ऐड करेंगे। मटन को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हाफ इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे यानी टर्मरिक पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 होल लहसुन ऐड करेंगे यानी गार्लिक, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से आप चिकन भी बना सकते हैं, सेम मटन के जगह पे आप चिकन ले लीजिए। अब प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम प्रेशर कुकर का लिड बंद करके मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। प्याज और लहसुन वगैरह हैं बिल्कुल गल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मटन को हमारे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी पका नहीं है। अब हम फ्लेम को हाई करके इस मसाले को पूरा अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि मसालों से ऑयल ना अलग हो जाए। बीच बीच में इसे कवर करेंगे और खुला करके इसे भूनते रहेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 2 टीस्पून इसमें मटन मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास मटन मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून कूटा हुआ सौंफ ऐड करेंगे, जो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। इसे मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, ऐसे हम रब करके इसके अंदर डालेंगे।
ये देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, ऑयल जो है मसालों से बिल्कुल अलग हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब हम इसमें गुनगुना पानी ऐड करेंगे। करी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पतला करी चाहिए तो इसमें पानी ज़्यादा डालिए, अगर आपको थिक चाहिए तो थोड़ा ही पानी डालिए। ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का लिड बंद करके मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 7 सीटी आने तक कुक करेंगे। ये देखिए हमारी सीटी आ चुकी है, अब हम इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए हमारी मटन करी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो पीसेस हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और जो करी है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अगर आप कम मेहनत में और बिल्कुल ऑथेंटिक मटन करी का टेस्ट चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।